की न्यूजीलैंड भारत के हमारे सहयोगी इमरान ने। असम में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने अपने गलत मानसिकता के साथ, ताकि शहर की विधि व्यवस्था प्रभावित हो, शांति व्यवस्था खराब हो, हुजूम के रूप में उन्होंने किसी को चौक पर डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। उसी समय वहाँ पे चूंकि मेन रोड है, काफ़ी भीड़ होती है, कुछ माननीय का भी वहाँ आगमन हो रहा था, साथ ही वहाँ पे पुलिस के कुछ लोग भी थे जिनके साथ जिनकी मुस्तैदी से किसी न किसी बड़ी घटना को रोक दिया गया। उसके पीछे जो है ऑफकोर्स एक जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंस्पायरेसी की वो आ रही है, और इसमें चूंकि एक मतलब सरकारी कार्य में बाधा, शांति व्यवस्था प्रभावित करना, एक पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मारने का प्रयास, जिसमें आप देखेंगे मेरा इंस्पेक्टर वहाँ पे एडमिट है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था को बिल्कुल तार तार करने की कोशिश की गई थी। अब इसके पीछे जो लोग भी हैं किसी स्वरूप में किसी जगह पे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जहाँ कहीं के भी हैं, जो भी हैं, बक्से नहीं जाएंगे। तोरमांझ की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या इसकी सूचना लोकल थाने को या फिर किसी और को दी गई थी? पूर्व सूचना कार्यक्रम था? नहीं, ऐसे कोई पूर्व सूचना किसी भी जगह को नहीं दिया गया था, और बिल्कुल ये कह सकते हैं सडन रूप में प्लान तरीके से, बहुत गोपनीय तरीके से इसकी प्लानिंग कहीं की गई होगी, मुझे जाँच का विषय है, लेकिन इसकी पूर्व सूचना कहीं नहीं थी, क्योंकि जो घटना थी बेसिकली और मांझी से भी दूर एक जंगल का है, अभी भी वो अनआइडेंटिफाइड है, जिसके लिए लगातार पुलिस के स्तर से प्रोफेशनली उस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो इसका कोई तालुकात इस यहाँ से नहीं था। तो इसमें कह सकते हैं गलत मानसिकता से, गलत अपने इरादों के साथ शहर की शांति व्यवस्था खराब करके एक कह सकते हैं कि आम लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, सरकारी कार्य प्रावधान डाला गया है, तो इसके लिए जो भी लोग हैं हम लोग आइडेंटिफाइड करने लगे हुए हैं, और आइडेंटिफाइड होकर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के काफिले को कुछ नुकसान हुआ है इस दौरान, या फिर उसके काफिले को सुरक्षित निकाल लिया गया? नहीं, जो माननीय का था आगमन बहुत सुगमता बस हो गया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और एक एंटिसिपेशन के साथ पहले शायद पता पुलिस वाले जो थे कब सजग थे, उन्होंने अपनी होशियारी, समझदारी, बहादुरी दिखाते हुए काफिला को सुरक्षित निकाल लिया, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इंस्पेक्टर इंजर्ड भी हुए हैं जिसका इलाज चल रहा है, तो माननीय का आगमन बिल्कुल सुरक्षित रहा, सुगम रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ मैसेज है रांची वासियों को देंगे? रांची वासी शांति व्यवस्था के वो हैं, स्वाभाविक तौर पे मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इस गलत प्रवृत्ति के असामाजिक लोगों की जो मंशा है उसको रांची वाले सफल नहीं होने देंगे। बाद में कि रांची पुलिस सक्षम है ऐसे लोगों से निपटने में, हम इस मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हो, कोई भी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सीएम के काफिले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौजूद किशोरगंज चौक में, इसके बाद सीएम के काफिले को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें सीएम के काफिले को ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक पोस्ट में तैनात जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी अन्य जो इस पूरी घटना में जो लोग भी शामिल थे उसे चिन्हित करने के लिए रांची पुलिस लगातार कंट्रोल रूम में बनी हुई है और लगातार चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 रांची। रांची के किशोरगंज में मुख्य